नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली छोटी से बड़ी वैकेंसी की जानकारी, योजना की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपये चार्ज आपको नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश में निकली एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के 52+ जिलों में निकली है। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की भर्ती के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं दो। ठीक है, तो चलिए कहां से हम इसकी पोर्टल पर चलते हैं इसका। तो यहां पर आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है एमपीई सर्विस। ठीक है, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना, ऑनलाइन आवेदन कहां से करना है, सभी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखें। यहां पर आपको सर्च करना है एमई सर्विस, सॉरी ई सर्विस लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, ई सर्विस लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, यहां पर ई सर्विस लिखकर हमने जैसे ही सर्च किया, यहां पर ई सर्विस होम पेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बात इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है वो एमपीई सर्विस जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इन यहाँ पर जो गोला घूम रहा है, उसके बाद आपको सामने एक नोटिस दिखेगा, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए क्लिक करें। आवेदन की प्रारंभ तारीख 12 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर। अगर आवेदन आप यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो इसके जिससे आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। पूरा पूरा नोटिफिकेशन यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक की भर्ती है, उसके बाद वरिष्ठ प्रशिक्षक की है, प्रशिक्षक की है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सहायक गवर्नेंस की है, जिसमें आपको BI कंप्यूटर साइंस, IT, BTech कंप्यूटर साइंस, IT ये आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई प्रबंधक, अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो इसमें आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया जो है वो मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है, मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। इसका आवेदन आपको ऑनलाइन करना है दोस्तों, तो चलिए कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप ई सर्विस पोर्टल पर आए, यहाँ पर जो सूचना है इसको आपको हटा देना है और यहाँ पर आपको जिला ई गवर्नेंस का जो है वो पोस्टर दिख जाएगा। ठीक है, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी संविदा भर्ती आवेदन करें दिनांक 12 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2023 तक, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना आवेदन करें। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो कुछ इस प्रकार का एक और पेज, नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। अगर आपकी आईडी इसमें पहले से बनी हुई है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो कैप्चा फिल कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एमपीई सर्विस पोर्टल को लॉग इन कर लिया। यहाँ पर आप हमारा जो है वो देख सकते हैं कि हमने लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड का मिलता है, प्रोफाइल का मिलता है, एंड यहाँ पर आपको सर्विस का मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको श्रम रोजगार शासन की योजनाओं की जानकारी, समाज कल्याण सेवाएं, उसके बाद यहाँ पर आपको व्यापार का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करना चाहते हैं एमपी गवर्नेंस भर्ती की, ठीक है, जिला ई गवर्नेंस भर्ती की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन देखें और आवेदन करें। अगर आपको आवेदन देखना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने अभी एक भी आवेदन नहीं किया है वो बताता है, तो डबल से हम जाते हैं सर्विस पर और यहाँ पर आपको आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। आवेदन करें पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। और अगर आपकी इसकी वैकेंसी देखना है कि कहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है DEGS वैकेंसी पोस्ट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पूरा बता देगा कि किस जिले में कौन सी कितनी पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं कि इस जिले में इतनी पोस्ट है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा देख लेना अभ्यर्थी को जो है वो क्या क्या लगेगा। सारे नियम सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना और आगे बढ़े पर आपके बाद आवेदन आपकी जानकारी जो है वो मांग लेगा। दोस्तों, जिला ई गवर्नेंस भर्ती में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है जो है वो 12 नवंबर 2024 है और अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2024 है। तो इसमें आवेदन करने के लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।